नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, सत्ता का नशा क्या होता है? अगर आपको यह समझना है, यह जानना है, तो इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो में आपको सत्तासीन एक विधायिका दिखाई दे रही है, जो विधायिका कुछ लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव कर रही है। उन्हीं लोगों के साथ, उसी जनता जनार्दन के साथ जिस जनता जनार्दन ने इस विधायिका को एक प्रतिष्ठित पद तक भेजा है। हम बात कर रहे हैं मीरा भाईंदर क्षेत्र की, जहां की विधायक गीता भरत जैन जो है, उनका कुछ मामला वहां फेरी वालों को, फेरी वाले जो है, अनाधिकृत फेरी वाले हैं, उनको लेकर गीता भरत जैन लगातार आवाज उठा रही है। और उसी बीच फेरी वाले जो है गीता भरत जैन के इस मामले का पूरा विरोध और निषेध कर रहे हैं। तो जब दोनों का आमना सामना हुआ, आम जनता जो फेरी वाले, जिनको अनाधिकृत कहां जाकर जिनकी रोजी रोटी उजाड़ी जा रही है उनका, और जो रॉयल जिंदगी जी रही है एमएलए गीता जैन, उनका जब आमना सामना हुआ, तब गीता जैन ने इन लोगों से किस तरह का बर्ताव किया, आप वीडियो पे साफ देख सकते हैं। एक विधायिका जिसको लोग, जनता ने चुनकर भेजा, और वही विधायिका समय आने पर लोगों को साथ इस तरह का व्यवहार करती हो, ये कहां तक उचित है? ठीक है, जनता भी आक्रोशित थी और जनता ने भी आक्रोश में विधायिका को दो चार खरी खोटी सुनाई, लेकिन जो पद पर आसीन लोग हैं वो आखिर पद पर पहुंचे किसकी वजह से? कि उसी जनता जनार्दन की वजह से। बहुत जल्द महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, और इस विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से मीरा भाईंदर में दो विधायकों के बीच खींचतान जारी है, उसके बाद कहीं ना कहीं दो विधायक मैंने बोला, यानी एक पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और एक वर्तमान विधायक गीता भरत जैन, इन दोनों के बीच जो वाक युद्ध शुरू है, उसके बाद कहीं ना कहीं गीता जैन जो है उनको अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। और ये पहला मौका नहीं है जब गीता जैन ने इस तरह का व्यवहार किया हो। इसके पहले भी एक समय एक इंजीनियर को इन्होंने थप्पड़ मारा था, एक सिनेमा में इन्होंने जाकर वहां इन्होंने काफी कुछ अपशब्द वहां के संचालकों से कहे थे। तो कहीं ना कहीं गीता जैन इस समय एन चुनाव के पहले इस तरह से लोगों से बर्ताव कर रही है, और यह भी सोच रखती है कि उन्हें चुनाव लड़ना है, जीतना है। अब आगे जनता जनार्दन जो है गीता जैन को क्या दिखाती है और किस तरह से जवाब देती है अपने वोटों के आधार पर, इसका जनता जनार्दन के अपने इस फैसले का परिणाम तो आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल के लिए आप देखें ये पूरी फुटेज वीडियो में आगे। आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग जरूर कीजिए। धन्यवाद। तमाशा करने का ये उछला पैन कैंसिल कर चाहिए। वो बोल रहे नगर सेवक लेना है, 2008 का नियम है, तो क्यों ना आज तक नहीं वो भी थे, वो भी सब थे ना, सब आए थे ना, तो कभी नहीं बोल रहे हैं। आज किसी पे आरोप नहीं लगाने का। आप मेरा होगा नहीं, तो 4 आप पे भी है, मेरे पे 1 भी नहीं और 5 भी नहीं। वो संभाल के बोलेगा, समय बोलेगा, समय संभाल के बोलेगा। ये रात कर रहा है, ये रात कर रहा है, ये वाला मेरे लोगों को साथ में खिंचाना होगा सबको रोड भैया ऊपर लेकिन साथ नहीं कोई नहीं झगड़ देगा दोनों को एक करो फिर हमारा वो मैं नगर सेवक हूँ इस एरिया का। आपने आरोप लगाया था, आपने आरोप अश्विन बोला, आपने चारों नगर सेवक बोले ना, नगर सेवक बोले आप मीरा भाईंदर से बोला, मीरा भाईंदर ने जिस एरिया का विषय था आप नाम दो ना। बढ़ जाइए बैठने को लिए क्या है लीगल तौर पे हमको बीएमसी ने लिख के दिया। नमस्कार मैडम। और उन्होंने बोला है नमस्कार मैडम सर बीएमसी का काम है ये। हमारे आदमी गीता है उनका काम नहीं है। मैडम मी उद्या दिल्लीवरून आलेली आहे। Talking to you. Talking is not crime. We have High Court's order that footpath is a citizen's right. You cannot enforce that. आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल उस मीटिंग में थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश जोड़ सड़क के किनारे बड़ा पाव तलने वाले, धंधा करने वाले, ये सब देश की आर्थिक स्थिति को बदल रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है। एरिया दूसरा ले लो ना, बैक रोड ले लो। आप प्रधानमंत्री का नहीं सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट का नहीं सुनेंगे, और है ना जगह तो है ना, हाई कोर्ट का नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे मैडम? आप हमारे प्रतिनिधि नहीं बोलेंगे। અમને એ જોઈએ છે જે એમની ઈચ્છા છે सब पिछड़ी चले पिछड़ो कितनी भी है वो मीरा भाईंदर की विधायिका है, जो बोलेंगे हमारे लिए आदेश है, लेकिन गैर कानूनी मानने के लिए आपको ऑल्टरनेट जगह दी है। यही दिया ना? नहीं ये नहीं, लेटर दिखाओ। ये नहीं दिया, हमने आपको बैक रोड दिया है, आपको अय्यप्पा की गली दी है, आपको वहाँ नहीं बैठना है, कोई बात नहीं, आपको ऑल्टरनेट जगह दी गई। बहन जी मेरी एक बात सुनेंगे, परसों में दीपक के पास गया कानपटे साहब जो है, उन्होंने बोला कि वही जो अपना उसमें मतलब आप मेरे को लिख के दे रहे हो क्या कि आपने महानगर पालिका में उसको आउट और जोन नहीं, उनको मैंने पूछा कि आपने वो जो बोल रहे वहाँ बैठो, वो आपने लिख के दिया कि हॉकर जोन में शामिल है। उन्होंने बोला नहीं हमारा हम क्यों जाए वहाँ बैठने कि 6 महीने बाद फिर देखते। आप बताइए मुझे, मैं आपको जिम्मेदारी से बहन मेरी 12 महीने हो गए। और सुनिए अश्विन जी एक मिनट, जैन मंदिर के सामने सारे दंगे लगते मुझे भी पता है, एक मिनट रुकिए ना सर। बहन की तेरी बात सुनो, 12 महीना हम लोग 6-7 बार आपके पास किताबें आगे बढ़ाते हैं, किताबें जो बोल रहे हो सही है, वो सब हमारे पब्लिक की सपोर्ट में है। डायरेक्ट बदल गया नहीं, ये उन्होंने कानपुर के साथ ही किया। हाँ तो फ्री जोन में किसने जाने बोला? हम बोलते थे हाँ नहीं, पर पहले आप दबाव इतने साल से एक कायदे का नियम बंद कर रहे तो उन्होंने मार्केट 2014 से लेटर दे रहे तो क्यों नहीं बन रहा है, ये सब क्यों नहीं हो रहा है? आज हमारा सोडून जाणार नाही, नॉन होकर सोडला तेच झालं, आज होकर सोडून मध्ये तेच होतं। म्हणजे आम्ही एकच आणि बाहेरचे नाहीये, याच बिल्डिंग मध्ये आम्ही इथंच राहतो, कुठे जाऊन मारायचं तेच सांगा आम्हाला साहेब। देशात 2014 साहेब हे बघा कायद्याने सर्व बघा नंतर मी चुकला असेल मला पब्लिकला नीचे उतारो, आपण गीताबेननी साथे पब्लिकला बघा नीचे उतारो म्हणजे देवावाला ने का मॅडम आपणा માટે सपोर्ट કરી રહ્યા છે आणि देवावाला का परिवारला पाहिजे आम्ही बात करने दो ना। या प्रमाणे हे नगर सेवक यहां से बात करो, अरे बात तो ऊपर से है कितना सारा आता ये सब छोड़ो ना, ये सब की जरूरत नहीं, ये सब बंद करो। जब आपस में चर्चा हो रही है तब के लिए सब चाहिए। ठीक है ठीक है। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।